हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि डी फार्मा एग्ज़ाम जो है वो अपना स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर से स्टार्ट है। सो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बनाए हैं। तो चलिए इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो अपना कि द साइंस विच डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। सो फर्स्ट है फार्माकोलॉजी, सेकंड है पैथोलॉजी, सी है फार्माकोलॉजी एंड डी है माइक्रोबायोलॉजी। इनमें इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि साइंस विच डील्स ड्रग्स देयर एक्शन ऑन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। ह्यूमन बॉडी में जो ड्रग्स का जो एक्शन होता है वो किसके जरिए होता है, तो इसका सही आंसर है फार्माकोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है द वर्ड फार्माकोन मीन्स। फार्माकोन का क्या मीन्स है, फार्मेसी, फार्मा, ड्रग, मेडिसिन। तो इसका सही आंसर है सी, ड्रग। थर्ड क्वेश्चन है अपना कि द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स इज फॉर्मुलेटेड बाय। फार्मास्यूटिकल जो इथिक्स जो कोड बनाए जाते हैं वो किसके जरिए बनाए जाते हैं। सो फर्स्ट है PCI, सेकंड है DTAP, थर्ड है सी अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग या डी है ऑल ऑफ द अबव। सो जितने भी फार्मास्यूटिकल इथिक्स जो इतने भी कोड एंड कंडक्ट किए जाते हैं वो PCI के अंडर ही किए जाते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ए। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रग्स एंड एक्सक्रेटेड फॉर्म द बॉडी थ्रू। ड्रग्स जो है वो किसके द्वारा बॉडी में एग्जिट किए जाते हैं। सो फर्स्ट है अपना किडनी, बी है अपना ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, स्वीट्स या बाइल, या सी है इंटेस्टाइन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बी, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, स्वीट्स या बाइल। इनके जरिए जो है बॉडी में जो ड्रग्स है वो एक्सक्रीटेड होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग्स इज नाउ। सो फर्स्ट है अपना फार्मेसी, बी है फार्माकोडायनेमिक, सी है फार्माकोकाइनेटिक्स या डी है फार्माकोपिया। सो इसका सही आंसर है फार्माकोकाइनेटिक्स। सिक्स क्वेश्चन है सिंपल प्रोटीन आर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिन या सी या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ग्लूटिन। सेवेंथ क्वेश्चन है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, ड्यूरेट टेस्ट, मिलोन टेस्ट या निंद्रहाइड्रिन टेस्ट ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव डी, डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, फेनिलकेटोनुरिया, एल्केटोनुरिया, कोशिकोरी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो ये तीनों आपके पास है आंसर। नाइन्थ है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज नाउ एस। जब दो दोस्तों के बीच में जो ट्रेड होती है उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट है अपना इंपोर्ट,
बी है एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है फॉरेन ट्रेड। टेंथ क्वेश्चन से अपना फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो इसमें आएगा आइसोनाइज्ड एट्रोप्टोमाइसिन, पैराजेनामाइड या डी और डी अबव। तो इसमें से तीनों के तीनों ही आंसर सही है अपने आइसोनाइज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड सी है अपना पैराजेनामाइड। इलेवेंथ क्वेश्चन अपना द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूट इन। तो अपनी फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल जो है वो कब लाई गई थी, 1949, 1950, 1948, 1955। इसका सही आंसर ए 1949। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, 12th क्वेश्चन है अपना द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड। तो अपने को जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको किस नाम से और जाना जाता है, सो फर्स्ट अपना सेंट्रल काउंसिलिंग, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग एंड नॉन ऑफ द अबव। सो इसका फर्स्ट आंसर है ए सेंट्रल फार्मेसी काउंसिलिंग। थर्टीन है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड। मेन सोर्स जो एनर्जी के लिए जो फूड है क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो इसका सही आंसर है ए कार्बोहाइड्रेट्स। 14 क्वेश्चन अपना व्हाट इज द मीन ऑफ पेल्विस। पेल्विस का जो है उसका क्या मीन्स है, सिरप, पाउडर, टेबलेट्स, ऑइंटमेंट्स। तो इसका सही आंसर बी पाउडर। 15 क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द मीन ऑफ सिग्ना। सिग्ना का क्या मीन्स है, कैप्सूल्स, बी एनिमा, सी गोटर या डी टैबलेट्स। तो इसका सही आंसर है गोटर। 16 क्वेश्चन है एंटी मलेरिया ड्रग इज, पेमेक्विन, क्लोरोक्विन, पिरिमाक्विन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से तीन सही है एंटी मलेरिया ड्रग्स। 17 है क्वेश्चन ए ड्रग दैट इज यूज्ड टू रिमूव पेन इज कॉल्ड। सो फर्स्ट है अपना ऑप्शन हाइपनोटिक, एनाल्जेसिक, एनाल्जेप्टिक, कोगुलेंट्स। सो इसका सही आंसर है बी एनाल्जेसिक, जो पेन को जो है रिमूव करता है। 18 क्वेश्चन है ई ओ क्यू स्टैंड्स फॉर। फर्स्ट है ऑप्शन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वेश्चंस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही नाम है सी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 19 क्वेश्चन है विच वन इज द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेपाम, थियोपेंटल सोडियम, हेलोपेरिटोल या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ए डाइजेपाम, कि कुछ जो है ड्रग्स नेम इनमें से आए हुए हैं अपने। 20 क्वेश्चन है अपना लैक्सेटिव आर यूज्ड टू ट्रीट। लैक्सेटिव जो किसके लिए यूज किया जाता है, फीवर, चिकन पॉक्स, सी है कॉन्स्टिपेशन या डी है स्किन डिजीज। तो लैक्सेटिव जो है और यूज की जाती है जो ट्रीटमेंट उसको जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है लैक्सेटिव यूज जो है ट्रीटमेंट। सो आज के लिए भी इतना ही, आगे की और देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए चैनल जो है लैपटॉप में ज्ञान के साथ, और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग।